जो काम बिहार पुलिस नहीं कर पाई वो काम यूपी पुलिस ने कर दिखाया है। बल्कि यूपी पुलिस ने भी ये बता डाला है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों की बिल्कुल भी जगह नहीं है, और अगर कोई अपराध करने बाहर से आएगा और अपराध करने की सोचेगा तो उसका हो जाएगा एनकाउंटर। अगर यकीन नहीं होता तो बलिया पुलिस की इस कार्रवाई को गौर से देख लीजिए और समझ भी लीजिए, यूपी पुलिस एक्शन में है और यूपी पुलिस से टकराने की गलती बदमाश बिल्कुल भी ना करें। खैर, अब आपको इस मामले को विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार के बदमाशों का एनकाउंटर यूपी में हुआ क्यों। दरअसल रसड़ा इलाके में पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार दो लोगों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन इन लोगों ने बाइक रोकने की बजाय पुलिस पर ही फायरिंग कर डाली। और तो और, पुलिस पर फायरिंग कर रहे ये लोग मौके से भागने भी लगे। इसी बीच बदमाशों की ओर से हो रही फायरिंग में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, जिसे देख अन्य पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया और दोनों ही बदमाशों का एनकाउंटर कर डाला, और हिरासत में लेने के बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। पकड़े गए दोनों बदमाश बिहार के सिवान के रहने वाले हैं, जो कुख्यात अपराधी भी हैं, और ये इस जिले में लगातार लूट और कार वाहनों की चोरी की वारदातों को अंजाम भी दे रहे थे। आज प्रातःकाल 4 बजे करीब थाना रसड़ा क्षेत्र में पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार होकर के आ रहे थे, जिन्हें जब रुकने का इशारा किया गया तो वे मोटरसाइकिल घुमा करके भगाने का प्रयास कर रहे थे, और जैसे ही पुलिस उनकी तरफ बढ़ने लगी तो उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर की गई। पुलिस द्वारा अपने आप को बचाते हुए उसको समर्पण करने को कहा गया, लेकिन उनके द्वारा फायरिंग करके वहाँ से भागने का प्रयास किया जा रहा था, और आत्मरक्षार्थ पुलिस बल के द्वारा जवाबी फायरिंग में उनमें से एक अभियुक्त घायल हुआ है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपने कई 4 पहिया वाहन की चोरी में अपना होना कबूल किया है। हाल ही में थाना रसड़ा के अंतर्गत 4 नवंबर को ही बलेरो चोरी की घटना भी इन लोगों के द्वारा कबूली गई है। इसमें एक अभियुक्त सुनील पुलिस के साथ आत्मरक्षार्थ फायरिंग में घायल हुआ है, और उसका एक साथी मुकेश अरेस्ट हुआ है। इनका एक साथी मौके का फायदा उठा करके भाग गया, जिसकी तलाश जारी है। इस कार्रवाई के बाद बदमाश इस बात को समझ ही गए होंगे कि यूपी में अब अपराध करना और शरण लेना हानिकारक हो सकता है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।